हम अपना विप जारी करके लिखित में दे देंगे, बनाओ तो सरी खुला। बिल्कुल बहुत बढ़िया मौका है, बहुत अच्छा अवसर है, ऐसा मौका दोबारा नहीं आना। अगर हम समय बीजेपी को दे देंगे, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि वो तीन को बीजेपी दोबारा सेट कर लेगी। ये अच्छा मौका आया है हुड्डा जी के साथ जो तीन निर्दलीय हैं, ये बड़ा सुनहरा अवसर है। संवैधानिक तौर पर अल्पमत की सरकार को रहने का अधिकार नहीं है, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। वो तो कोई ऐसा थोड़ी कहता कि मेरी कम है, ये बात कौन कहता है मेरी कम है, जिसका सब कुछ भी लुट जाए वो भी नहीं कहता। हम राज्यपाल को भी लिख देंगे और हुड्डा जी कहेंगे तो उनको भी लिख देंगे। अरे तो खुला ऑफर है भाई, लिखित दे देंगे, कौन रोक रहा है? मैं कह रहा हूँ हम अपना विप जारी करके लिखित में दे देंगे, बनाओ तो सर। क्या लगता है सरकार बन सकती है? बन क्यों नहीं बन सकती, खुला बिल्कुल बहुत बढ़िया मौका है, बहुत अच्छा अवसर है, ऐसा मौका दोबारा नहीं आना। अगर हम समय बीजेपी को दे देंगे, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि वो तीन को बीजेपी दोबारा सेट कर लेगी। अगर समय ना दें बीजेपी को तो सरकार आज ही गिर सकती है, बेशर्ते उसके अंदर सभी निर्दलीय हुड्डा साहब और हम सब लोग जो है लिखित में दे दें। हम तो आज दे देंगे, हुड्डा जी भी दे दें जल्द से जल्द। बीजेपी से जो लोग पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं तो फिर वेट किस चीज़ की हो। ये अच्छा मौका आया है हुड्डा जी के साथ जो तीन निर्दलीय हैं, ये बड़ा सुनहरा अवसर है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो। अब पहला तो सरकार गिराने की बात है ना, सरकार बनाना, अगली सरकार बनाना या राष्ट्रपति लागू शासन होना, ये तो गवर्नर की सोच है, वो किस चीज़ की सिफारिश करते हैं। वो पहला मौका देंगे हुड्डा साहब को या वो सीधा राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। बात ऐसी है कि संवैधानिक तौर पर अल्पमत की सरकार को रहने का अधिकार नहीं है, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, उसके बाद क्या हो वो तो सेकेंडरी चीज। बीजेपी तो लेकिन कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सरकार चलेगी। नहीं तो वो क्या कहेंगे कि मेरी सरकार गिरने जा रही है? वो कह रहे हैं मेरी संख्या पूरी है। वो तो कोई ऐसा थोड़ी कहता कि मेरी कम है, ये बात कौन कहता है मेरी कम है, जिसका सब कुछ भी लुट जाए वो भी नहीं कहता। राजनीति के अंदर अपनी उसको बात को तो मजबूत रखता ही है, मगर प्रैक्टिकल इमोशनल बात मत करो, भावनात्मक नहीं, जो है वो संख्या बल के आधार पर ये सरकार गिरनी चाहिए। अब लगातार भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है। दो अलग बात है, वो अलग बात है, ये अलग बात है। वो तो जनता ने वोट देने हैं, ये तो दिए दयाए वोट के एमएलए बने हुए हैं और हुड्डा जी के कंट्रोल में है, करना चाहिए फैसला। किस बात फिर आप किस तरह की देखते हो बीजेपी? जैसे मनोहर लाल खट्टर लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा में फिर 10 की 10 पर कमल खिलने जा रहा है। वो मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई ये थोड़ी कहेगा कि हम कम जीतेंगे, वो तो सब ये कहेंगे कि ज़्यादा जीतेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में लोगों का मत परमात्मा का आदेश होता है और वो 25 तारीख को डल जाएगा। एक मिनट सर, दिग्विजय जी क्या हम ये माने जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि लिखित में जेजेपी दे तो जेजेपी राज्यपाल को सौंप देगी अपनी? नहीं, हम राज्यपाल को भी लिख देंगे और हुड्डा जी कहेंगे तो उनको भी लिख देंगे। आपकी तरफ से खुला चैलेंज है कि आप वो चैलेंज नहीं है, ये लोगों के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। हुड्डा जी अपने 3 और 30 33 लेकर के तैयार रहें। आपके 10 तैयार? हमारे 10 तो वो दुष्यंत जी के हाथ में विप है जी, 10 तैयार होंगे। चाहे कोई इधर उधर भी है, कोई कहने लगा मुझे कि वो तो बीजेपी में चला गया, तो मैंने कहा चाहे मुस्लिम लीग में चला जाओ जी। जब वहाँ वो कानून दुष्यंत जी कहेंगे, नहीं तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, वो वोट ही नहीं डाल पाएगा। दिग्विजय जी, आपका किसानों ने विरोध किया था, किस तरह देखते हो लगातार किसान सवाल पूछ? भाई ऐसा है, हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे विरोध करें, हमारे को पकड़ें, हमारे को लाठियां मारें, डंडे मारें, जो कुछ भी कहें, हमारे अपने हैं, हम उन्हें गले लगाएंगे, हम उनके आगे हाथ जोड़ेंगे। हमारे अपने लोगों को कोई कांग्रेसी बहका करके हमारे ही आगे खड़ा कर देंगे तो हम उनसे कोई विरोधाभास नहीं। हमारा विरोधाभास राजनीतिक है, किसी का पर्सनल हो सकता है, वो लड़ाई अलग है।